हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। कल हमने क्या किया था, यानी कि प्रीवियस वीडियो में 14.1 कंप्लीट की थी। अब आते हैं 14.2 पर। कौन सी एक्सरसाइज पर आते हैं? 14.2 पर। ये 14.2 से स्टार्ट पहले करने से पहले हमारे को कुछ 3 आइडेंटिटीज ये याद रहनी चाहिए। ए प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर, चाहे इसको बाद में बोलो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB, ए माइनस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये 3 आइडेंटिटीज, यानी कि तीनों के तीनों फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए आपको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, 14.2 पे। 14.2 पे क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फैक्टराइज करना है इनका। तो 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दे अपने चैनल को। अब आते हैं 14.2 पर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, ए स्क्वेयर प्लस 8A प्लस में 16, लिख लिया सभी ने इस प्रकार से। अब क्या करना है, ए स्क्वेयर प्लस 8A प्लस 16, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टराइज करना है इनको। क्या करना है, फैक्टराइज। इसमें स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना है आपको, इस वैल्यूज और इस वैल्यू के आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं, और बीच मेरा 8A आ गया। करवा दी मल्टीप्लाई सभी ने 16 की और ए स्क्वेयर की, 16A² यहां पर 8A आ गया। अब दो नंबर सोचने आपको, ऐसी दो डिजिट्स जिनको अगर मैं ऐड करूं तो क्या आए वो मेरा 8A, अगर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आए वो मेरे पास 16A². तो देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा भाई, दोनों नंबर्स 4A प्लस में 4A, 4A प्लस में 4A आएगा, 4A प्लस में 4A आएगा। ये 8A को 4A प्लस 4A, यानी कि इनको ऐड करता हूं तो ये कितने आते मेरे पास 8 आते हैं, मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितने आ जाते हैं मेरे पास 16A² आ जाएंगे। अब चलते हैं आगे, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में, अब दो दो पार्ट का क्या निकालना है, कॉमन। ए स्क्वेयर और 4A में से कॉमन निकालना है, 4A और 16 में से कॉमन निकलेगा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा भाई, A आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, A प्लस 4। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4, A प्लस 4 आएगा यहाँ पर भाई। अब दोबारा से इन दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा भाई, A प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा, दोनों में A प्लस 4 है तो यहां से A प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, यहां पर क्या रह जाएगा, A प्लस 4। ये हो गया आपका फैक्टराइज, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं 2 पर, 2 में क्या करना है, पी स्क्वेयर माइनस 8P प्लस 25, सेम एज इट इज 25P² और यहां पर माइनस 10P। भाई दो वैल्यूज हैं, दो संख्याएं हैं, दो डिजिट हैं, उनकी मल्टीप्लाई करूं तो 25P² आए, अगर उनको ऐड करूं तो कितना है, माइनस 10 आए भाई, माइनस 10। तो माइनस 5 और माइनस 5 अगर ऐड करता हूं तो माइनस 10 आता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 25 प्लस का आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, पी स्क्वेयर माइनस 5P प्लस माइनस 5P, ऐड किया 10P हो गया ना, मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 25 आ गया ना, आ गया। अब इन टू में कॉमन, इन टू में, इन दोनों में अब कॉमन निकालना है अलग से। भाई मेरा क्या था, माइनस 10P प्लस 25 चाहिए था, माइनस पी और यानी कि माइनस 5P माइनस 5P ऐड करता हूँ तो माइनस 10P प्लस 25। स्टूडेंट्स अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतने शेयर कीजिए। अब आते हैं आगे, इन दोनों में कॉमन P कॉमन भाई, P माइनस 5, इन दोनों में कॉमन माइनस 5, P माइनस 5, इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आया भाई, P माइनस 5 निकल के आया, पीछे क्या रह गया, P माइनस 5 हो गया ना स्टूडेंट्स। फिर आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, कौन से पे, 3 पे, 25m² प्लस 30m प्लस 9, 25m² प्लस 30m प्लस 9, देखो इसको किस प्रकार से करते हैं, 25m² प्लस 30m प्लस 9। चलिए भाई इनके आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, पहले इस वैल्यूज और इस वैल्यूज की, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 225m² आएगी, अंदर वाले की प्लस 30m,
तो बोलो स्टूडेंट्स, तो डिजिट्स ऐसे नंबर्स जिनको अगर मैं ऐड करूं तो 30 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 225 आए। जल्दी से क्विक, यानी कि आपकी मल्टीप्लाई बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए, माइंड में आ जाना चाहिए दो डिजिट्स। प्लस 15 अगर ऐड करता हूं तो 30 आती है भाई, मल्टीप्लाई करता हूं तो 225। अब इन टू में से कॉमन लेके आओ भाई, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा सोचो। इन दोनों में पहले डिजिट्स में देखो क्या कॉमन आ सकता है। 5, इन दोनों में कॉमन m, पीछे क्या रह जाएगा 5m। प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा प्लस 3, 5m प्लस 3। दोबारा से भाई, इनमें कॉमन क्या निकल के आया 5m प्लस 3, पीछे क्या रह गया 5m प्लस 3 रह गया। आगे आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में क्या है 49y² +84yz +36z², आइए भाई 84yz प्लस कितना है 36z². चलिए स्टूडेंट्स, आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 49 और 36 की आपस में मल्टीप्लाई इस पोजीशन और इस पोजीशन की हो सकती है भाई, हो सकती है। वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर साथ में आएगा, 49 और 36 की आपस में मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगी मल्टीप्लाई आपस में, और इसकी मैं प्लस के कारण 84 आना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपकी मल्टीप्लाई बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। ये मैं 42YZ और 42YZ को ऐड करता हूँ तो उसके इक्वल आएगी, करके देख लेना स्टूडेंट्स। चाहे 36 और 49 की मल्टीप्लाई होगी, 42 और 42 की क्या होगी इक्वल होगी, बाकी डिजिट्स क्या रखनी है सेम। आगे वाली लाइन में इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन भाई, इन दोनों में क्या कॉमन निकल के आ रहा है 7, दोनों 7 की टेबल में आ रहे हैं ना, और क्या निकल के आ रहा है वाई, पीछे क्या बचेगा 7y, यहाँ से 7y बाहर आ गया, क्या बचेगा 6z। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा भाई, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, अरे जल्दी बोलो किसकी टेबल में आते हैं, 6 की में, क्या कॉमन आ रहा है जेड, पीछे क्या बचेगा 7y +6z। अब कॉमन क्या गया दोबारा से 7y +6z, पीछे क्या रह गया 7y +6z रह गया स्टूडेंट्स। आ गया सभी को समझ में। आगे आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 में क्या दे रखा है 4x² -8x +4। लिखिए भाई पहले स्टेटमेंट 4x², अब इस पोजीशन और इस पोजीशन की मल्टीप्लाई 16x² होती है भाई स्टूडेंट्स, -8। अब दो नंबर ऐसे सोचिए जिनकी अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आए, ऐड करूँ तो -8 आए। -4x, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 4x, x -1, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा -4, x -1, दोबारा से क्या कॉमन आ सकता है x -1, 4x -1 आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन निकला x -1, पीछे क्या बचा 4x -1 बचा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं फिर, आइए भाई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 की स्टेटमेंट क्या दी हुई है 121b² -88bc +16c². लिखिए भाई 121b² -88bc +16c². देखिए भाई स्टूडेंट्स, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप इतने सम निकालते हुए आ गए होंगे, इतने सम हमने किए तो अब ये तो समझ गए ना आप कि 88 है, ये दो डिजिट्स का आपस में है भाई, ठीक है ना। 121 -44bc -44bc -44 -44 ऐड करेंगे तो -88 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, जो 16 और 121 की मल्टीप्लाई करोगे वो सेम आएगी, करके देख लो चाहे कॉपी में स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इतनी मेहनत करने के बाद तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल को। अब दोनों में से कॉमन निकालो जल्दी से, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा 11b, यहाँ पर 11b बचेगा, यहाँ से -4 क्या बचेगा भाई, b बाहर चला गया तो c बचेगा, इन दोनों में कॉमन माइनस का कितना आएगा भाई 44 और 60 किसी एक नंबर से 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, साथ में क्या कॉमन निकलेगा c, पीछे क्या बचेगा यहाँ पर भाई 11b -4c, ये दोनों सेम आ गए फिर से, इनको फिर से बाहर निकाल लो 11b -4c, पीछे क्या रह जाएगा 11b -4c। आगे आते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 बिल्कुल आपको याद रखनी है वही बात,
कौन से वाले स्टूडेंट्स? एक बात याद रखनी है आपको कि जब भी आपसे ये पूछा जाए एल प्लस एम का स्क्वेयर क्या होता है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 2LM, फॉर्मूला याद हो गया ना सभी को, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 2LM होता है। लिखिए भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2LM माइनस 4LM। ये बताइए स्टूडेंट्स, एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर ये तो प्लस 2 है और ये माइनस 4LM है, माइनस 4LM में से प्लस 2LM गया, कितना बचेगा? माइनस 2LM बचेगा भाई। आगे देखिए, एल माइनस एम का स्क्वेयर होता है भाई, ये एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस 2LM, एल माइनस एम का स्क्वेयर होता है। ये फार्मूला मैंने बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में से ही, ए प्लस बी का स्क्वेयर ए माइनस बी का स्क्वेयर आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रहता है, ये आप खुद ट्राई करोगे, ए स्क्वेयर प्लस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी की 4, ए 4 प्लस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी, खुद ट्राई करोगे। मैं बता देता हूँ, ए की 4 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी की 4 आएगा ये। इसके कैसे करोगे, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इस 2 की जगह लिख दोगे अलग अलग ऐसे, ए 4 प्लस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी की 4। अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए 4 बी 4 आता है ना ये, और ऐड करता हूँ तो 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी 4, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। फिर से इन दोनों में कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉमन, और पीछे क्या बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आपको वैल्यूज सारे के सारे तरीके तरीके फॉर्मूले याद रहने चाहिए भाई। पहला सम देखिए, 4p² - 9q² 4p - 9q² लिख लो गए सभी स्टूडेंट्स। ये बताओ भाई किसका स्क्वेयर होता है, जल्दी बताओ, p 2p का स्क्वेयर है ये, इसको मैं 2p का स्क्वेयर लिख सकता हूँ ना, 4p को 2p का स्क्वेयर माइनस 9q², इसको क्या लिख सकता हूँ, 3q का स्क्वेयर लिख सकता हूँ ना भाई। स्टूडेंट्स मैंने कौन सी आइडेंटिटी बताई थी, कौन सा फार्मूला बताया था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो कर दो भाई इसको, ये ए है ये मेरा बी है, एक बार इसको प्लस कर देते हैं और एक बार क्या कर दूंगा, इसको ब्रैकेट में माइनस कर दूंगा। पता है मेरे को स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई ना कोई बच्चा प्लस माइनस जरूर लगाएगा, कोई सिंबल नहीं लगाना यहाँ पर, डॉट मल्टीप्लाई है दोनों की, 2p + 3q 2p - 3q, यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। ये पहले ही मैंने की थी, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, एक प्लस का सिंबल लगाना एक माइनस का, ए प्लस बी ए माइनस बी। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 2 पर, 63 ए स्क्वेयर - 112 बी स्क्वेयर। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, ये किसी का स्क्वेयर नहीं होता, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है बताइए मेरे को, ये दोनों किसी न किसी एक की टेबल में जरूर आते होंगे, ठीक है ना, किसकी टेबल में आते हैं, 7 से 7, दोनों में कॉमन निकालूंगा तो इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 9 स्क्वेयर आएगा, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 7 16 पे चला जाएगा ये भाई। दोनों में से 7 कॉमन निकाल लिया मैंने, और ब्रैकेट में क्या बच गया मेरा, 9 ए स्क्वेयर - 16 बी स्क्वेयर। अब बच्चों मेरे को ये बताना भाई, ये किसका स्क्वेयर होता है, 9a, ये 3a का स्क्वेयर होता है, और ये किसका स्क्वेयर होता है भाई, 4b का। वेरी गुड, 3a का स्क्वेयर ये 4b का, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इनको। अब बताओ स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लगा दोगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले इसको प्लस लगा लो चाहे इसके माइनस, एक माइनस लगाना एक प्लस, बस हो गया स्टूडेंट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे फिर, 49x² - 36 49x² - 36। बोलो स्टूडेंट्स ये किसका स्क्वायर होता है, 7x का, ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का। a² - b² एक बार माइनस एक बार प्लस, वेरी गुड, अब तो आने लग गए ना,
49 किसका होता है, 7x का स्क्वायर, 36 6 का, ये ए है ये बी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट हम पे आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ यहाँ पर देखिए 16x की 5 माइनस 144x की 3, लिख लीजिए यहाँ पर 16x5 माइनस 144x3। प्रीवियस एक्सरसाइज याद कीजिए, कॉमन निकल रहा है, कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा, निकल रहा है 16, इसमें दोनों में से यहाँ से x की 5 है 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा भाई, आ गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, x की 2, यहाँ से x की 3 बाहर आ गया, कुछ नहीं, इसको इससे 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा भाई, कितना आएगा 9 आएगा। अब बताओ स्टूडेंट्स जल्दी बोलो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कर देते हैं इसको, एक्स का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर होता है 9, वही सेम 16x की 3 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार इसको प्लस एक्स प्लस 3 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स वेरी गुड, कर दिया होगा सभी ने, आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फाइव पे देखिए, फाइव की स्टेटमेंट सबसे जरूरी स्टेटमेंट होती है, एल प्लस एम का स्क्वेयर माइनस एल माइनस एम का स्क्वेयर। लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, शेयर भी कर देना, जो भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं किसी के पास भी भेजो। एल प्लस एम का स्क्वेयर माइनस एल माइनस एम का स्क्वेयर भाई, ए प्लस बी का स्क्वेयर ए माइनस बी का स्क्वेयर, ए प्लस बी का स्क्वेयर करो भाई, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 2LM माइनस बड़ी ब्रैकेट, ठीक है ना, इसका स्क्वेयर खोलो भाई, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस 2LM। अरे क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB, ए माइनस बी का स्क्वेयर क्या पढ़ा था, इसका स्क्वेयर पढ़ा था ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2AB, इसका पढ़ा था ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2AB। स्टूडेंट ये गलती मत कर देना, पहले माइनस है बाहर, अब करता हूँ इस माइनस की अंदर एंट्री होगी, एंट्री होते ही देखना क्या करेगा माइनस, इसको माइनस कर देगा एल स्क्वेयर को माइनस एम स्क्वेयर को, ये माइनस माइनस प्लस 2LM, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4LM हो जाएगा, 2LM और 2LM कितना आ जाएगा, 4LM, प्लस माइनस से कट जाएगा, माइनस एल स्क्वेयर से ये कट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। नेक्स्ट सम पे आइए, 6 पे 9x² y² माइनस 16, 9x² y² माइनस 16, चलिए ये किसका स्क्वेयर होता है भाई, 3xy का स्क्वेयर है ये, ठीक है ना, ये किसका स्क्वेयर है, 4 का। चलिए आगे 3xy, ये ए है और ये बी है, एक बार इसको प्लस और एक बार इसको माइनस रख देता हूँ। स्टूडेंट्स आते हैं फिर अगले पार्ट पे, 6 पे, 6 से आगे 7x² माइनस 2xy y² माइनस z². चलिए भाई लिखिए स्टेटमेंट, x² माइनस 2xy प्लस y², आगे क्या है आपका, माइनस z². स्टूडेंट्स एक बात बताना मेरे को, ये क्या दिख रहा है आपको, x² माइनस 2xy प्लस y² क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो। अरे एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर है, एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर है माइनस जेड स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर ये बी स्क्वेयर, एक बार इसको प्लस कर दो और एक बार इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। स्टूडेंट्स एक बार जेड को प्लस कर दो और एक बार माइनस, क्योंकि हमने क्या सीखा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सेकेंड का लास्ट सम पर आते हैं, एट पार्ट पर देखिए स्टेटमेंट क्या दी हुई है, 25A² माइनस 4B² प्लस 28BC माइनस 49C², 25A² माइनस 4B² प्लस 28BC माइनस 49C². अब मेरे को ये बात बताओ स्टूडेंट्स कि इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, ठीक है ना, यहाँ से 25A² है, ठीक है ना, इसको मैं अलग रख लेता हूँ, सबसे अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझने वाली बात है, इसमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 25A² यहाँ पर आएगा, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये मेरे को एक फार्मूला नज़र आ रहा है, 4B², ठीक है ना, माइनस 28BC, ठीक है ना, प्लस 4AC² आ गया ना माइनस बाहर, 5A² ये 5A² है, ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, एक बार सोच के बताना, मैं एक वर्डिंग लिख देता हूँ कोई समझ जाए तो, बच्चा बताना मेरे को, 2B, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं,
फोर ए सी, 4 49 सी स्क्वेयर है ना, 49 सी स्क्वेयर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 का स्क्वेयर। इस वैल्यूज को ये बात मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, देखना एक बार नीचे थोड़ा सा। 2b-7c का स्क्वेयर एक बार मैं खोलता हूँ, क्या बनता है बच्चों, 2b a स्क्वेयर भाई, 4b का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 49c स्क्वेयर, -2ab, -2ab करूंगा तो 7 दूनी 14 दूनी 28, 28bc आ जाएगा। बन गया ना ये फार्मूला। इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ 2b-7c, 2b-7c का स्क्वेयर। चल दिए भाई, एक बार इसको प्लस और एक बार माइनस, प्लस करूंगा तो ये सेम रखा जाएगा, जब माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, 5a-2b+7c। आ गया ना स्टूडेंट्स, आया या नहीं आया समझ में, आ गया होगा सभी को। फिर आपको 14.2 के टू सम्स आपके हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।